गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट टीवीएस, चैप्टर नंबर थर्ड, प्ले टाइम इज फन टाइम। बुक रीडिंग हम कर चुके थे, लेट वी स्टार्ट अवर एक्टिविटीज। पेज नंबर 24, एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट जो है हमारा, इट इज़ एन इंडोर गेम। इंडोर गेम कौन सा है हमारा? चेज है, क्रिकेट है या हॉकी है? कौन सा है इंडोर गेम? चेज। चेज पे टिक मार्क कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका, इट इज़ ए ब्रेनी गेम। ब्रेनी गेम्स, हाइड एंड सीक, जिग्सा पजल्स, स्नेक एंड लैडर्स, कौन सा है? किसमें आपको माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है? हाइड एंड सीक में? नहीं ना, जिग्सा पजल्स में। जिग्सा पजल्स में तो टिक मार्क किस पे करोगे? जिग्सा पजल्स। ओके, स्नेक एंड लैडर्स भी नहीं आएगा इसमें। बी, नेक्स्ट है आपका, क्रिकेट मस्ट बी प्लेड इन ए। क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है? वरांडा में, छोटे बच्चे तो खेल लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका रूम, और नेक्स्ट प्लेग्राउंड। जो गेम है क्रिकेट, वो कहाँ पे खेला जाता है? प्लेग्राउंड में, है ना। वो तो छोटे बच्चे, उनको छोटे वाले बैट बॉल ला के दे दोगे तो वो तो खेल लेंगे बरांडा में, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, वो कहाँ पे खेलते हैं? प्लेग्राउंड में। टिक मार्क कहाँ पे करोगे? प्लेग्राउंड पे, है ना। वी फाइंड क्लाउंस इन अ, क्लाउंस में क्या पाया, वो सॉरी, क्लाउंस को हम कहाँ पे पाते हैं? सर्कस में, क्लास में या हाउस में? ऑब्वियसली सर्कस में, है ना। टिक मार्क कीजिए सर्कस। नेक्स्ट है, कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी। कुंभ मेला चैप्टर में आपने रीड किया था ना, कुंभ मेला हेल्ड इन एवरी 12 ईयर्स था ना उसमें, 12 ईयर्स। तो हम किस पे टिक मार्क करेंगे? 12 ईयर्स पे, नॉट 15 एंड 10। नेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो है आपका, डैश इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स। क्या आएगा यहाँ पे? रिक्रिएशन, आर ई सी आर ई ए टी आई ओ एन। रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है? मनोरंजन। इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स, क्या करता है? हम लोगों को रिलैक्स करता है ना। नेक्स्ट है आपका, कैरम इज एन, कैरम कौन सा गेम है? बाहर जाके थोड़ी ना खेलते हो कैरम, घर में रख के खेलते हो ना। कौन सा गेम है? इंडोर गेम, आई एन डी डबल ओ आर, इंडोर गेम। नेक्स्ट है, गेम्स प्लेड एट स्कूल आर रिलेटेड टू। जो हम गेम्स में, स्कूल में गेम्स जो हम खेलते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं? लर्निंग से। किससे रिलेटेड होता है? लर्निंग से। लर्निंग में सीखने से, एल ई ए आर एन आई एन जी, लर्निंग। नेक्स्ट है, वी मस्ट हैव ए टीम स्पिरिट। हमारे पास क्या होनी चाहिए? टीम भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्लेइंग गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्थी, एच ई ए एल टी एच वाई। मीन्स गेम खेलना हमारे लिए कैसा है? फिट रहता है शरीर, जो है हमारा फिट रहता है एंड हेल्थी रहता है ना बॉडी हमारी, एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्थी। नेक्स्ट है आपका, सी एक्टिविटी। सी एक्टिविटी में क्या है? ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, है ना। फर्स्ट है, लूडो इज एन इंडोर गेम या आउटडोर गेम? कौन सा गेम है?
लूडो इज ए इंडोर गेम है, नॉट आउटडोर गेम, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। सामने बॉक्स में आप फॉल्स फिल करोगे, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, वी प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। क्यों खेलते हैं, फन एंड रिलैक्सेशन के लिए खेलते हैं ना, यस ट्रू। नेक्स्ट है, गेम्स प्लेड इन द स्कूल आर ऑलवेज सोलो गेम्स। स्कूल में जो गेम्स खिलाए जाते हैं वो हमेशा सोलो गेम्स होते हैं, नहीं है ना, टीम गेम भी होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन नॉट प्ले टुगेदर, नहीं गर्ल्स और बॉयज़ खेलते हैं साथ में, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वी मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ द गेम्स, गेम्स के जो रूल्स हैं हमें उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, है ना, ट्रू। नेक्स्ट है आपकी डी एक्टिविटी, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉलम बी में भी दिए गए हैं, दोनों को आपको क्या करना है, मैच करना है। स्क्रैबल, क्रिकेट, एक्रोबेट्स, काइट, कुंभ मेला। कॉलम बी में सर्कस, इंडिपेंडेंस डे, इंडोर गेम, सीन फ्रॉम स्पेस, आउटडोर गेम्स, है ना। आपको क्या करना है, इसको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, जो भी राइट आंसर होता है उसको मैच करना है। स्क्रैबल में क्या होता है, खरोचना, है ना। कौन सा गेम है वो, इंडोर गेम है ना। आपको कोई भी चीज़ दी जाती है आपको क्या करना होता है, उसको खरोचना होता है या फिर उसको हटाना होता है ऊपर से ऑप्शन को, और नीचे देखते हो क्या निकलता है, जो भी आपका ऑप्शन होता है वो आप देख चेक करते हो, है ना। स्क्रैबल को किससे मैच करोगे, इंडोर गेम से। नेक्स्ट है आपका क्रिकेट, आउटडोर गेम्स, क्रिकेट आउटडोर गेम्स है ना। एक्रोबेट्स, कहाँ पे मिलते हैं एक्रोबेट्स, सर्कस में, मैच करो सर्कस से। काइट, इंडिपेंडेंस डे पे करते हो ना, उड़ाते हो ना काइट्स, ये लो यहाँ से मैच कीजिए। नेक्स्ट है आपका कुंभ मेला, कुंभ मेला क्या करते हो, सीन फ्रॉम स्पेस, देखते हो ना वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे होते हैं, बताया था ना कुंभ मेले के बारे में मैंने चैप्टर में। ओके, एक्टिविटी ए बी सी एंड डी, डू इन योर होमवर्क नोटबुक। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे, है ना। ओके।